जब मैं सत्यमेव जयते 2 के रिव्यूज पढ़ रही थी तो मुझे एक ऐसा रिव्यू मिला जिसको पढ़ के मुझे समझ आ गया कि इंडिया में अभी तक अच्छे दिन क्यों नहीं आए। क्या मास्टरपीस है, डायलॉग्स स्टोरी को और भी ज्यादा मजेदार बना रहे थे। ये तो एक्शन मूवीज का बाप है। मुझे तो लगता है हॉलीवुड को हमसे कुछ सीखना चाहिए। बिल्कुल यार, हॉलीवुड को हमसे कुछ सीखना चाहिए कि चलते हुए हेलीकॉप्टर पे लटक करके उसको नीचे कैसे पटका जाता है, कि मुंह से हो करके लोगों को उड़ाया कैसे जाता है, कि एक हाथ से गाड़ी रोक करके उसका इंजन कैसे बाहर निकाला जाता है, कि एक हाथ से नारियल और टेबल को कैसे तोड़ा जाता है, और भाई एट लास्ट ये कैसे किया जाता है। ये क्या है? अभी हम सब पागलों की तरह नोवेयर होम देखने जाएंगे। एक बार दिल पे हाथ रख के बताना कि इनके हॉलीवुड का स्पाइडरमैन क्या वो सब कर सकता है जो हमारे जॉन भैया ने किया है। यहाँ पे इनका स्पाइडरमैन तो इतना ज्यादा लल्लूपन जो है कि इसको डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद मांगनी पड़ती है, और यहाँ हमारे जॉन भैया एक आदमी के पिछवाड़े पे लात मारते हैं और बाकी सारे अपने आप गिर जाते हैं। क्या है ये करने की ताकत इनके स्पाइडरमैन में है? और अब बोलोगे भी क्या, जब खुद जॉन मेयर का कहना है कि सत्यमेव जयते ने खुद की एवेंजर सीरीज ही बना ली है, और मेरे हिसाब से उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। आप इनके हल्क को अपने जॉन भैया से लड़वा के को देखो, हल्की घिग्गी बन जाएगी और वो आपको ब्लैक विडो के पीछे छुपा मिलेगा। और ना मेरे ना तो मेरा नाम भी यशि नहीं। इस मूवी में है कमाल की फिजिक्स, मतलब अपने जॉन बाप पुलिस मैन पुलिस वाले को पीट रहे होते हैं और तभी वो उसको टेबल पर टकते हैं और बगल में रखा शोक स्तंभ सीधा उड़ के उनके हाथ पे आ करके गिरता है। वहीं दूसरी तरफ जो उसके बगल में पेपर होते हैं वो एकदम बरोबर रखे रहते हैं। या तो अशोक स्तंभ पेपर से भी ज्यादा हल्का होता है, या फिर इस मूवी के प्यारे यूनिवर्स में ग्रेविटी की वैल्यू 56 है, और 56 इसलिए बिकॉज अवर जॉन भैया लव्स द नंबर 56। जिगरे का नाम 56 इंच। 2% की जान लेने 56 इंच का जिगरा नहीं, 56 किलो का हथौड़ा चाहिए। तो भाई लोग जॉन भैया के हिसाब से उनका एक हाथ 56 किलो का है, मतलब समझे उनके दोनों हाथ कितने किलो के हुए, 112 किलो के। मैंने गूगल पे सर्च किया और पता चला जॉन भैया का वेट तो 85 किलो है। तो भाई ये कैसे हो सकता है बे? इससे हमें कंक्लूजन ये मिलता है कि इस मूवी में है कमाल की मैथमेटिक्स। फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ इस मूवी में मिलेगी आपको भरपूर बायोलॉजी। मतलब इस मूवी में एक सीन है जहाँ 40 बच्चों को मदरसे में गंदा खाना खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है, और इस फूड पॉइजनिंग की वजह से उन बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होती है, और उनकी डेथ पता है कैसे होती है? क्योंकि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी थी। भाई मुझे नहीं पता था कि फूड पॉइजनिंग का सिम्टम सांस लेने में तकलीफ होना होता है। भाई एक बार सर्च ही मार लेते मूवी के मेकर्स की फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स क्या होते हैं। लेकिन भाई जब उनको नोरा फतेही के सुकू सुकू से फुर्सत होगी तब ना सर्च करते। इन सब के अलावा इस मूवी में है कमाल के डायलॉग जिनकी इंस्पिरेशन है गुंडा और देशद्रोही जैसी मूवी। सोचिए अगर आप देशद्रोही के पेट्रियोटिज्म को गुंडा के राइमिंग वाले डायलॉग्स के साथ मिला दे तो जो चीज आपको मिलेगी वो होगी सत्यमेव जयते 2। जैसे कि एक डायलॉग है मूवी में, जरा गौर फरमाइएगा, कि भाड़ में जाए करप्शन, अपलोड हुआ इंस्टाग्राम है, मेरा भारत महान है। एक और सुनिएगा, कि शेर दौड़ाता है आजाद फाड़ता है, और ये वाला तो भाई मेरा फेवरेट है। हर गुनेगार को ऐसी मौत मारूंगा कि अगले जन्म में माँ की कोख से क्या बाप की तोप से भी निकलने से डरेगा। और भाई ऐसे डायलॉग्स पूरी की पूरी मूवी में है, और इनमें पोटेंशियल इतना है कि आपके कानों से खून निकालने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और लड़कियों, क्या आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? तो इस मूवी में आपके लिए है एक कमाल का डायलॉग्स। एक्चुअली होता क्या है कि टी सीरीज की मालकिन के पिताजी उनसे कहते हैं कि पॉलिटिक्स तो तुम्हारे खून में है, तो उस पे वो क्या देती है, बचपन से माँ की गोद में नहीं पापा की कुर्सी में जो खेली हूँ। तो अगर आप चाहती है कि आपके खून में रेड ब्लड सेल्स के बजाय पॉलिटिक्स दौड़ना शुरू कर जाए, देन स्टार्ट प्लेइंग ऑन योर फादर्स चेयर। क्या पता नेक्स्ट राखी सावंत आप ही हो। इस मूवी में है तीन जॉन। पहले जॉन है हमारी जॉन दी पापा, जो ऐसे चीख चीख के बोलते हैं कि उनके बोलने से आपके कान फट जाएंगे और क्या पता आप जिंदगी भर बहरे ही हो जाएं। दूसरे जॉन है हमारे जॉन दी पॉलिटिशियन, जो कि फुल टाइम होम मिनिस्टर है और पार्ट टाइम हुडी डाल करके गंदे लोगों को पीटते हैं। तीसरे जॉन है हमारे जॉन द पुलिसमैन, जो पुलिस वाले का काम कम करते हैं और अपने बॉडी को दिखाने का काम ज्यादा। चलिए शुरू करते हैं सत्यमेव जयते के कमाल की पैट्रियोटिज्म। ये भ्रष्टाचार से आजाद होगा, ये आजाद उस दिन आजादी बनाएगा।
कान दर्द हो गया। कमाल की बॉडी बिल्डिंग और कमाल की सरदर्द का सिलसिला। तो मूवी स्टार्ट होती है जॉन द होम मिनिस्टर से, जो कि पार्लियामेंट में एंटी करप्शन बिल पास करवाना चाहते होते हैं, लेकिन अपोजिशन के नेता उनके खिलाफ वोट कर देते हैं, यहाँ तक कि उनकी खुद की बीवी भी जो कि एक अपोजिशन पार्टी में है। ये सब देखने के बाद जॉन द पॉलिटिशियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, तो वो इसी बात पे एक घटिया मोटिवेशनल स्पीच देते हैं जिसको सुनकर सब ताली मारना शुरू कर देते हैं। फिर पता चलता है कि जॉन द पॉलिटिशियन की मम्मी 20 साल पुराने एक हादसे की वजह से कोमा में है। फिर एक माँ बेटी मंदिर जाती है और तभी सीढ़ियों से बेटी का पैर स्लिप कर जाता है और उसके सर फट जाता है। तभी उसकी माँ उसको हॉस्पिटल लेके जाती है, पर वहाँ डॉक्टरों की हड़ताल होने की वजह से उसकी बेटी की डेथ हो जाती है। तो तभी अपने जॉन द होम मिनिस्टर एक हुड्डी डाल करके उस डॉक्टर को मारने जाते हैं। तभी डॉक्टर अपने बचाव के लिए एक नारियल उनकी तरफ फेंक करके मारता है, लेकिन जॉन द होम मिनिस्टर उस नारियल को एक हाथ से तोड़ देते हैं और फिर वो उसे मंदिर की घंटियों से मार डालते हैं। फिर एंट्री होती है जॉन द पुलिसमैन की, जो कि जॉन द होम मिनिस्टर का भाई है और उसे बुलाया जाता है ताकि वो उस डॉक्टर के कातिल को पकड़ सके। और तभी जॉन द होम मिनिस्टर अपने भाई जॉन द पुलिसमैन को फोन करके धमकाते हैं कि तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे, और जॉन द पुलिसमैन समझ भी नहीं पाते कि उनके भाई की आवाज है। फिर मदरसे के बच्चों को गंदा खाना खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है और हॉस्पिटल में इनफ ऑक्सीजन न होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और फिर पता चलता है कि मदरसे का बुरा खाना इन नेताओं ने दिया था और हॉस्पिटल में ऑक्सीजन न होने की वजह भी यही लोग थे। तो अपनी जॉन द होम मिनिस्टर नोरा फतेही के कुसु कुसु गाने के बाद गाड़ी का इंजन निकाल करके इन पॉलिटिशियन को मार डालते हैं। फिर एक बिल्डर के गंदे सामान यूज करने की वजह से एक ब्रिज टूट जाता है, तो अपने जॉन द पॉलिटिशियन तेनु लहंगा गाने के बाद उस बिल्डर को मार डालते हैं। लेकिन तभी जॉन द पुलिसमैन को पता चल जाता है कि इन सब के पीछे तो जॉन द होम मिनिस्टर है, लेकिन वो दोनों साथ में हो जाते हैं और फिर फ्लैशबैक शुरू हो जाता है जहाँ इनके जॉन द पप्पा करप्शन रोकने के लिए अनशन कर रहे होते हैं। और तभी अनशन के दौरान जॉन द पप्पा के एक दोस्त को कैंसर होता है, शायद मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ ली थी, तो उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाना होता है। लेकिन उसी टाइम जॉन द पप्पा से मिलने सीएम आ रहे होते हैं, इसीलिए जॉन द पप्पा की वाइफ उनके दोस्त को हॉस्पिटल ले जा रही होती हैं। तभी बीच में दंगे बाज आ जाते हैं और जॉन द पप्पा की वाइफ को उसकी वजह से चोट लग जाती है। लेकिन तभी जॉन द पप्पा के दोस्त का कैंसर क्योर हो जाता है और वो अपनी जॉन द पप्पा की वाइफ को लेकर के हॉस्पिटल ले जाता है, और हॉस्पिटल ले जाते ही उसका कैंसर वापस से आ जाता है और वो पक जाता है। तभी जॉन द पप्पा अपनी बीवी को ब्लड दे रहे होते हैं, लेकिन तभी हॉस्पिटल में दंगे बाज आ जाते हैं और वो जॉन को मारने की कोशिश करते हैं। तभी जॉन द पप्पा उन्हें हाँ करके उड़ा देते हैं, लेकिन उनके इतने सारे होने की वजह से जॉन द पप्पा उनसे हारने लगते हैं, लेकिन वो लड़ते हैं, लेकिन एंड तक कोई जॉन द पप्पा को मार डालता है और ये जॉन द पप्पा की वाइफ देख लेती है और इसकी वजह से वो कोमा में चली जाती है। और इसके बाद फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। इसके बाद चाइल्ड बेगर सुसाइड कर लेता है और जॉन द पुलिसमैन के यहाँ कोई उस चीज का मजाक उड़ा रहा होता है। तभी जॉन द पुलिसमैन उस मजाक उड़ाने वाले को खूब पीटते हैं और अपने जॉन द होम मिनिस्टर उस चाइल्ड बेगर के माफिया को जला देती हैं। लेकिन इसी बीच अपनी टी सीरीज की मालकिन ने जॉन के लिए करवा चौथ का व्रत रखा होता है, लेकिन जॉन तो माफिया को मारने में बिजी होते हैं, इसीलिए जॉन द पुलिसमैन जॉन द होम मिनिस्टर का भेस लेकर के अपनी भाभी के पास चले जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये लोग कुछ क्राइम पेट्रोल का एपिसोड दोहरा पाते, जॉन द होम मिनिस्टर वापस आ जाते हैं एंड सब कुछ ठीक हो जाता है। और इसके बाद टी सीरीज की मालकिन एक मोटिवेशनल स्पीच दे रही होती है, तभी एक रेप विक्टिम वहाँ आकर के अपने आप को आग लगा लेती है। इसी पे टी सीरीज की मालकिन दोनों जॉन से कहती है कि मुझे पता है कि तुम दोनों मिलके गंदे लोगों को मारा करते हो, जाओ रेपिस्ट को जाकर के मारो। इसके बाद आता है गाना और गाना खत्म होने के बाद दोनों जॉन रेपिस्ट को मार देते हैं। तभी मूवी में होता है एक बहुत ही बड़ा चमत्कार, दोनों जॉन्स की मम्मी कोमा से वापस उठ जाती हैं और वो कोमा से वापस आने के बाद कहती है जॉन द पप्पा को टी सीरीज की मालकिन के पापा ने मारा था। इस पर
टी-सीरीज की मालकिन कहती है गो एंड किल माय फादर। लेकिन तभी टी-सीरीज की मालकिन के पापा दोनों जॉन की मम्मी को हल से बांध देते हैं और कहते हैं दोनों जॉन आपस में लड़ाई करो और एक दूसरे को मार डालो, नहीं तो मैं तुम्हारी मम्मी को मार डालूंगा। और अपनी माँ को बचाने के लिए दोनों जॉन लड़ते हैं और बेहोश हो जाते हैं। लेकिन तभी आती है टी सीरीज की सेठानी और वो आती है बहुत सारे लोगों को लेकर के, और इतने सारे लोगों को देख करके टी सीरीज के मालकिन के पापा हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और तभी दोनों जॉन हेलीकॉप्टर से लटक लेते हैं। पर क्योंकि उनकी पावर कम पड़ रही थी तभी आती है हमारे जॉन दी पप्पा और हेलीकॉप्टर नीचे आ जाता है और तभी सारे लोग मिल करके टी सीरीज की मालकिन के पापा को मार डालते हैं और इंडिया का मैप बनाते हैं और हमें इस गुंडाधारी देशद्रोही से आजादी मिल जाती है। अगर आपको बहरे होने का शौक चढ़ा हुआ है तो प्लीज इस मूवी को जरूर देखिएगा। कुछ ही टाइम में डॉक्टर आपसे कहेगा कि आपको हमारे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मूवी का तो पता नहीं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। अगर आपके फ्रेंड सर्किल में कोई प्लान बना रहा है ना सत्यमेव जयते देखने का, प्लीज उसको ये वीडियो भेजो और थोड़ा दिखा दो कि कैसी मूवी है ये। और तब तक के लिए मुझे लगता है इस मूवी का सेकंड ना ओनली देती जैसे यूट्यूबर्स को बहुत ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि इस मूवी में है भाभी चक्कर। अगर आप चाहते हैं कि आपके खून में आरसीबी की जगह पॉलिटिक्स दौड़े तो अरे यार मैंने आरसीबी बोल दिया है क्या? आरबीसी की जगह यार आरबीसी है बहन, आरबीसी आरसीबी नहीं। ठीक 1 2 3 स्टार्ट। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके खून में आरसीबी की जगह, मैं पागल, मेरे को आईपीएल इतना ज्यादा आईपीएल नहीं देखना चाहिए इसीलिए पर जगह आरसीबी को पाती हूँ। आरसीबी नहीं बहन, आरसीबी नहीं, आरसीबी हारेगी अगली बार भी लेकिन आरसीबी हार नहीं। ठीक फिर से 1 2 3 स्टार्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपके खून में आरसीबी, मेरा दिमाग खराब करा।